स्वागत है आपका स्पोर्ट्स प्लस में। इस हफ्ते हम आपको इंडियन स्पोर्ट्स की कुछ सच्चाइयों से वाकिफ कराएंगे। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको राम्या के पास, जो हमारी हारी हुई इंडियन टीम के लौटने का इंतजार कर रही हैं। ओवर टू यू राम्या। साक्षी अगेन हियर यू आई एम आई जे एयरपोर्ट आफ्टर लूजिंग द मैचेस द इंडियन टीम हैज जस्ट अराइव्ड। वी कैन सी अ लॉट ऑफ फैंस हियर, वी जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कम आउट एंड गेट देयर व्यूज। हियर दे कम। हाउ डू यू थिंक अबाउट योर Nothing. No comments. No comments. What happened to you? There's been a lot of gossip about you. No comments. What? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इस मैच में नहीं तो अगले मैच में जीतेंगे। क्रिकेट के इंडिया में जादू ही कुछ ऐसा है कि टीम के हारने के बाद भी उन्हें उतना ही प्यार मिलता है जितना हमें उन्हें हमेशा मिलता रहा है। चलिए कोई नहीं, हमारे लिए हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। हमारी हॉकी टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है और दादर स्टेशन पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नीतीश उनके इंतजार करते हैं। तो चलते हैं नीतीश के पास। मुझे वो करता देख सकती है, कहाँ फंसा दिया यार साक्षी यार। धोनी को बुखार हुआ है, वो ज्यादा अच्छा होता है हॉकी टीम। हमें खेद है कि हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शायद तैयार नहीं थे। नीतीश क्या आप सुन सकते हैं? ये देखिए हमारी इंडियन हॉकी टीम वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, पर यहाँ पे समर्थकों की भीड़ दिख ही नहीं रही है। अब चलते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की सैटरडे पार्टी जो हुई उनके हारने के बाद। हाय पीपल, वी जस्ट वेटिंग आउटसाइड द शेरेटन वेटिंग फॉर द इंडियन टीम प्लेयर्स फॉर द सैटरडे नाइट पार्टी। What do you feel about this party? I'm not being allowed inside. और उधर हॉकी टीम जो वर्ल्ड कप जीत के आई है उनका भी एक झलक देखी लेते हैं। वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में इंडियन प्लेयर्स को इंडियन हॉकी फेडरेशन ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, आइए वहाँ लेके चलते हैं। Cheers guys! Cheers! पानी भी मिल रहा है, कबड्डी टीम को तो पानी मिला था, ये चाय मिल रहा है। अरे चाय भी तो पानी है, सही है यार। हॉकी टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी उन्हें आ रही है रोजी रोटी कमाने में तकलीफें। आइए देखते हैं इसका हल उन्होंने क्या निकाला। ये सीन अभी अभी हमने नोट किया है, ये इंडियन हॉकी टीम जब जीत के आई है उसके बाद का है। इनको अपॉर्चुनिटीज में नहीं मिली है, ये इस कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहे हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए यूज होगी, देख रहे हैं आप। हॉकी खेलने नहीं गया है। और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी ने एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए 210 करोड़ की डील साइन। ये धोनी का रेजिडेंस। यार धोनी, अरे पैसे बना रहे यार, अरे जान बीमार है यार, जो बन रहे हैं सब 200 करोड़ मार दिए थे। शाम को आना, ड्रिंक्स पार्टी है पक्का पक्का पक्का। क्या आपको पता है हॉकी टीम का कप्तान कौन है? हाँ, नहीं, आइए देखते हैं आप जैसे कुछ लोगों का। Who is the captain of Indian hockey team? I don't know. Pam, any idea? Shreya Ghosh. Who is the captain of Indian hockey team? Okay, I don't know. Yeah. Who is the captain of Indian hockey team? Men's, women's. Men's, men's. I don't know. Women's? I don't know. And Indian cricket team? Huh? Indian cricket men's, team. Men's, women's? Men's. Mahendra Singh Dhoni. Okay. And women's? No idea. Who is the captain of Indian hockey team? I don't know. अच्छा, इंडियन क्रिकेट टीम धोनी। अब हम शो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जाते जाते ना सूचना ना चेतावनी, बस एक सवाल, आखिर हमारा नेशनल स्पोर्ट है क्या, क्रिकेट या हॉकी? नमस्कार।